गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग 51 to 100। अब हमें देखो, यहाँ पे रो में देखो 10 10 कैसे दिए, 10 10 10। अब यहाँ पे देखो 5 10 5 10 मतलब कितना होगा, 5 टाइम हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 10 20 30 40 50। वैसे यहाँ पे देखो 6 टाइम 10 दिया है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। वैसे यहाँ पे 7 टाइम ऐसे 10 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 10 मतलब 7 टाइम 10 मतलब 70। ऐसे हमें ये आज का हमारा टॉपिक है के अंडरस्टैंडिंग 51 to 100। उसमें हमें एक्सरसाइज में दिया है फेल इन। अब या देखो 5 10s and 6 मतलब ये देखो 1 2 3 4 ने 5 टाइम कितना है, 10s, और ये अलग अलग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 10s और 6 कितना हो जाएगा, 56। 5 10 मतलब कितना हो जाएगा, 50 प्लस उसमें 1 2 3 4 5 6 तो 6 और ये 5, तो ये कितना हो गया, 56। वैसे 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5, 5 टाइम कितना है, 10s, और ये 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 55। अब नेक्स्ट दिया आपको 6 10 and 7 मेक, ये 6 टाइम कितना है, 10s है और ये 7 है और सिर्फ, तो कितना हो जाएगा, 6 और 67, ये 6 और ये 7 कितना हो जाएगा, 67। अब नेक्स्ट दिया है 9 10s and 3 max, 1 2 3, ये देखो तो 9 times 10s है तो ये 90 हो जाएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 मतलब 9 और ये 3 कितना हो जाएगा, 93। अब नेक्स्ट दिया है 7 10s and 6 max, तो ये 7 times कितना है, 10 है, 1 2, तो 10 20 30 40 50 60 70, उसमें 6 71 72 73 74 75 76, तो 76 कितना हो जाएगा, 76। अब नेक्स्ट दिया है 8 10s and 5 max, 8 टाइम कितना है, 10 से और 5 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 85। और अब हमें नेक्स्ट दिया है दूसरे पेज पे शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म, तो राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म, हमें यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, हमें किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे देखो आपके मैंने सिखाया था, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो जीरो और प्लस आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो 6 और 60 plus 4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं होगा, क्या करेंगे, 60 plus 4 है तो 6 और 4 लिखेंगे, ये जीरो और प्लस आपको क्या कर देना है, निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा, 64। अब नेक्स्ट दिया है 50 plus 8, तो 0 प्लस निकालेंगे, ये 5 और 8 कितना हो जाएगा, ये 58। अब नेक्स्ट दिया है 70 plus 3, तो 7, ये 0 प्लस नहीं लिखना है, सिर्फ 7 और ये 3, तो कितना होगा, 73। नेक्स्ट दिया है हमें 70 plus 9, अब 7 है वो लिखेंगे, ये 0 प्लस हमें क्या करना है, निकाल देना है, 7 और 9 कितना हो जाएगा, ये 79। नेक्स्ट है अब 60 plus 6, तो ये 0 और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये 66। अब 80 plus 7 मतलब ये 0 प्लस नहीं लिखेंगे, 8 और 7 कितना होगा, 87। यहाँ पे है 90 plus 1, तो ये 9 और ये 1 लिखना है, ये 0 प्लस निकाल के, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 91। अब नेक्स्ट दिया है 90 plus 9, तो ये 9 और ये 9 कितना होगा, ये 99 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है हमें 80 plus 5 मतलब ये 8 और 5 कितना होगा, 85। अब दिया है 70 plus 7, तो ये 0 प्लस निकाल देना, ये 7 और ये 7 कितना होगा, ये 77। आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, 0 और प्लस है वो निकाल के लिखना है, ये दोनों निकल जाएंगे, तो देखो 53 तो 53 हो गया। और लॉन्ग फॉर्म में क्या करना है, अब नेक्स्ट दिया राइट इन द लॉन्ग फॉर्म,
लॉन्ग फॉर्म में क्या करना है, सिर्फ हमें ये दिया हुआ है उसमें हमें जीरो और प्लस क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे सेवन है जो पहला नंबर है उसके साथ, 7070 प्लस, और ये फाइव है तो फाइव अकेला रहेगा। अब यहाँ पे एट है जो पहला नंबर है, 80 है तो यहाँ पे है तो 8 और उसके साथ 0 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 80 प्लस 2, 82। हम 80 में ऐड करेंगे तो 182 तो हो गया 82। लॉन्ग फॉर्म में क्या करना है हमें, जो हमने शॉर्ट फॉर्म में 0 को और प्लस निकल दिया था वो हमें लॉन्ग फॉर्म में क्या करना है, ऐड करना है। अब ये 5 6 है तो 5 पहला नंबर है उसके साथ 0 आएगा, 50 प्लस ये 6 है तो 6 का क्या रहेगा 6, 56। अब ये 99 है तो 90 और 5 क्या रहेगा अकेला प्लस 5। नेक्स्ट है 67 तो 6 है उसके साथ क्या होगा 10 लिखना है, मतलब कितना हो जाएगा 60 प्लस 7, 60 प्लस 7 67। अब यहाँ पे 80 प्लस 8 तो 80 प्लस 8, यहाँ पे 93 तो 9 है उसके साथ 90 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा ये 93। नेक्स्ट दिया है हमें 59 तो क्या करना है हमें, 5 है तो 50 जैसे बोल रहे हैं ना 50 तो 50 प्लस 9 तो ये हो गया 59। अब 62 कैसे बोल रहे हैं, 62 तो ऐसे बोल रहे हैं 60 प्लस 2 62। अब यहाँ पे है 71 तो क्या है, तो क्या आएगा 70 प्लस 1 71। लॉन्ग फॉर्म में क्या करना है, तो जो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 0 प्लस निकाल दिया था वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। सिंपली आपको लॉन्ग फॉर्म में याद रखना है जहाँ पे जो पहला नंबर है उसके साथ 0 लगाना है, प्लस करके जो 5 है वो वैसा का वैसा अकेला रहेगा वो 70। तो हमने 7 के साथ 0 लगाया प्लस 5, 70 प्लस 5 जैसे बोल रहे वैसे। अब 82 तो 82 बोल रहे तो 80 प्लस 2 82। अब ये 56 तो 50 प्लस 6, आपको सिंपल ही याद रखना है जो फर्स्ट नंबर है उसके साथ एक 0 प्लस यहाँ के बीच में और 6, तो आपको ये आज लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों करने हैं। अब नेक्स्ट है फिल इन। अब देखो हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए, यहाँ पे देखो 69 दिया है तो यहाँ पे 60 तो दिया हुआ, कितना कम हो रहा है 9, 60 में हम 9 ऐड करेंगे तब होगा 69 तो 60 प्लस 9 69। अब वैसे देखो 87 तो उसमें 80 वाला दिया है तो क्या रहेगा ये 7 का 7 तो हो जाएगा, हम 80 में 7 ऐड करेंगे तो 87। अब वैसे 55 दिया, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 5 नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे 5, 50 प्लस 5 55। यहाँ पे 99 दिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है देखो आप, तो 90 में हम कितना ये 9 नहीं लिखा हुआ पीछे वाला, तो क्या करना है हमें 9 ऐड करना है तो 99। अब देखो यहाँ पे 54 दिया है, उसमें पीछे 4 दिया हुआ है, बट अब जब लॉन्ग फॉर्म लिख रहा है उसमें फर्स्ट नंबर है उसके साथ हमें 0 ऐड करना होता है तो 50 प्लस 4 तो कितना हो गया 54। अब नेक्स्ट दिया यहाँ पे 76 दिया है तो 6 पीछे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हमें 7 वाला नहीं दिया है, तो पहले नंबर के साथ 10 आता है तो 70 70 प्लस 6। अब यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो क्या नहीं दिया 6 6, में तो फर्स्ट नंबर है उसके साथ क्या आता है 10 तो 60 प्लस 8। नेक्स्ट दिया है 3 तो यहाँ पे देखो पीछे 3 दिया है वो तो अकेला रहता है सेकंड नंबर है वो। अब यहाँ पे 9 है तो उसके साथ हम 0 ऐड कर रहे हैं तो 90 प्लस 3 तो हो गया ये 93। अब देखो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 देखो पहले वाले में दिया हुआ क्या है 6, तो सेकंड नंबर क्या रहता है अकेला रहता है तो क्या रहेगा 6 का 6। अब यहाँ पे दिया है 85, 5 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हमें 8 वाला नहीं दिया है तो क्या करना है इसके साथ 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 5 कितना होगा 85। अब नेक्स्ट है 51, 1 दिया है, क्या नहीं दिया हमें 5 का तो वो क्या है फर्स्ट नंबर है 50 50 प्लस 1 50 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। वैसे यहाँ पे 72 दिया हुआ है तो 70 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया 2 तो 2 का क्या रहेगा यहाँ पे 2 ही रहेगा। आज आपको ये टेक्स्ट बुक में करना है सबको। थैंक यू।